नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हमा है पूजा। रीवा माही एक थे शादी के खुशी, वो समय गम बदल गए जब रोड लाइट लेके चले वाली युवती अचानक से जनरेटर के चपेट में आई गए। अपना का बताए दे कि महिला शीला साह के डीजे के रोड लाइट लेके चलत रही, अचानक जनरेटर के धुआं महिला के मुँह में आ गए से ओकर संतुलन बिगड़ गया और जनरेटर में उनकर साड़ी फंसी और फांसी लग गई। वही पुलिस पोस्टमार्टम कराए के सबका परिजनन का सौंप दी थी। वही दूसर खबर ही है लौर थाना केर, जहां उचेहरा माही एक थे मासूम सड़क दुर्घटना के शिकार भा। अपना का बताई के स्कूल से लौटत समय श्रवण सिंह जौन के 8 साल के रहा, जेके मोटरसाइकिल सवार जोर से टक्कर मार दिए। स्कूल बंद रही, जौने के जानकारी परिजनन का नहीं रही, यही से बच्चा अकेले घर लौटत रहा, जौने माए ये हादसा हुईगा। खैर, स्कूल प्रशासन के लापरवाही उजागर हो रही है, जौने के बिना जानकारी दिए स्कूल बंद की गई रही। मासूम के उपचार संजय गांधी अस्पताल में जारी है। भाई सुनी कैसन भाई घटना? ये घटना स्कूल हम पहुंचा छोड़ के आए थे, फिर वो पता चला कि स्कूल में छुट्टी है तो वो चला आया पैदल घर से। घर के पास जब पहुंचा तो उसी समय मोटरसाइकिल वाला एक एक्सीडेंट कर दिया। रीवा माही लगातार चोरी और लूटपाट होत रहा थी। कई एक बेर ऐसा होत है कि जौने माही अपराधी होत हमा वो बाहर के रहैया होत हमा, जौन के ना तो कोनो परिचय होता है ना कोनो आधार कार्ड, और तौर उनकर पुलिस माही कोनो रिकॉर्डो नहीं होए। ये ऐसा लोग वो थमा जे शहर माही अवैध रूप से डेरा जमाए के रहा थमा। लगातार होए वाली घटना का ध्यान में रख के पुलिस चौराहा के गुड़हर के नियरे अवैध तरीका से रहे वालन का हटा दी। लगातार होए वाली घटना का ध्यान माही रख के पुलिस चौराहा के गुड़हर के नियरे अवैध तरीका से रहे वालन का हटाए दीन, पर राजनीति के रोटी सेकए वाले लोग कहाँ बा जावत हमा। पहुंच गए मौलिक अधिकार पार्टी के ठेकेदार कलेक्टर कार्यालय में ही और मांग करें कि जिनका हटावा का है उनका 7 दिना के भीतरे रहाई के सुविधा दीन जाए, और नहीं तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन की तो ठीक है यार, आत्मदाह की जाए। आई अपनों को दिखाई लोगन के का कहवा है वे। जो भी भारत देश की प्राकृतिक संपदा है उसमें सबका समान अधिकार हो, ये है समान अधिकार के सार। शासकीय जमीन में कोई पट्टा नहीं मांग रहे थे, कोई ये कब्जा नहीं कर रहे थे, केवल ये 4 महीना शहर में आके कमाते हैं और अपने बच्चों का उदर पोषण करते हैं। इनको बिना किसी सूचना के ये भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हुए यहाँ की पुलिस कुछ भ्रष्ट लोगों से पैसा लेके और इनके साथ ज्यादाती करके भगाया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पत्रकार वार्ता के आयोजन करें। जौने माही रीवा केर विकास योजना 2035 के अध्ययन करे के बाद उनका जानकारी भय कि जनता के हितन के विरुद्ध और सत्ताधारी नेतन का लाभ पहुंचावे खातिर दोहरा मापदंड अपना बजाला है। जौने माही मिश्रा जी कहें कि विकास योजना 2010 में शामिल करे बिना खाली फॉरेस्ट विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बल पर निर्माण एजेंसी का 35 साल के खातिर इको पार्क होटल का बनवावा जाला है, और TNPC के मैप माही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बताए के नक्शा से हटाए के 60% के भूभाग में अस्पताल के निर्माण कैसन कराए दिन का। एक साथ साथ और बहुत सारे आरोप लगाई जौने माही शासकीय स्कूल और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणों पर सवाल उठाए। वहाँ साथ साथ किसान नेता सुब्रमणी रिंग रोड फेज 2 में सवाल खड़ा करें और बताएं कि किसान के जमीनन का हड़पे जाला है, और बताएं कि किसान के जमीनों हड़पी जाला है। अपनों को सुनाई किसान नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा कौन गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निवेश लिखा हुआ, नगर एवं ग्राम निवेश, तो गांव को
गांव को समाप्त करके शहर कब तक बसाओगे भैया? मॉडल रोड की धूल खाते हुए लोग का चार चार घंटे जाम में फंसे रहे हैं, अरबों खरबों की रोड बन गई। हमारे जिला प्रशासन क्यों नहीं करता उनके ऊपर कार्रवाई? हम लोग 2015 में हमने जाम किया था रोड के लिए, तो हमारे ऊपर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा लगा था। उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम तो ये कहते हैं कि जिला प्रशासन आम आदमी को निरीह समझता है और मंत्रियों के इशारे पर, यहाँ के राजनेताओं के इशारे पर यह मास्टर प्लान बनाया गया है जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। ये आपत्ति किसी की नहीं, इसमें जो आपत्ति दिखाई गई है 108 लोगों की, इसमें खुद के भेजे हुए लोगों से अपने मन की चीज जैसे और कुछ कराना है उसको आपत्ति के रूप में दर्ज कराई गई है। उस दिन बैठक में भी मैं जब था तो जो 7-8 सरपंच बुलाए गए थे उनको स्पेशली बुलाया गया था और बाकी किसी सरपंच को कोई जानकारी नहीं थी। फैक्ट ये है कि आज ओरिजिनलिटी में किसी को जानकारी ही नहीं। आप खुद सोचिए, हमको तो 10 दिन लग गया इसको पढ़ते पढ़ते समझ में आते आते। वो आपके विज्ञापन में एक लिंक दी हुई है ग्राम पंचायत का सरपंच, वो लिंक खोलेगा। देखिए रीवा के तमाम खबर आप अकेली में। नमस्कार।